अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपका ऑनलाइन में स्वागत है। मैं आपको ज़बर के तख्ती के बारे में बताऊंगी। ज़बर की आवाज़ जो है वो ऊपर जाती है, और ज़बर कहाँ होता है बच्चों? ऊपर, और थोड़ा खींच के निकलता है। कल हमने दो तश्मीह के अल्फाज पढ़े थे, आज हमने ज़बर ज़ेर वाले पढ़ेंगे। अलीफ ज़बर आ, इसके बाद कहाँ जाएगी बच्चों? ऊपर। फिर ये है बा, बा ज़बर बा। फिर उससे आगे अपन बढ़े पा, तो पा पे क्या है बच्चों? ज़बर, तो पा ज़बर पा। फिर उससे आगे बढ़े, पहले क्या बोलेंगे अपन? अल्फाज का नाम लेंगे, उसके बाद हम ज़बर का नाम लेंगे। ता ज़बर ता। उससे आगे बढ़े अपन टा, इसमें क्या है? ये छोटी सी तो है, ऊपर क्या है? ज़बर। ता ज़बर टा। उससे आगे अपन बढ़े सा, पहले वही अल्फाज का नाम लिया, फिर उसके बाद हमने ज़बर का नाम लिया। सा ज़बर सा। फिर जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, है ज़बर हा, खा ज़बर खा। इसकी आवाज़ थोड़ी सी हम हलक से निकालेंगे और ज़बर को साथ में पढ़ते रहेंगे। दाल ज़बर दा, दाल ज़बर डा। ये भी तीनों की शक्ल एक सा है, लेकिन वही है कि यहाँ पर खाली है, इस पे तो है और इस पे नुक्ता है, और ज़बर सब पे बराबर है। डा ज़बर डा, ज़ल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ड़ा ज़बर ड़ा। ये चार होते हैं अल्फाज बच्चों। ये खाली आता है तो रा होता है, छोटे से तो आती है तो ड़ा होता है, और एक नुक्ता आता है तो ज़ा, और तीन नुक्तों वाला बड़ा ज़ा। रा ज़बर रा, अड़ ज़बर ड़ा, ज़ ज़बर ज़ा, बड़ा ज़ ज़बर ज़ा। उससे आगे पढ़ेंगे अपन सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वा ज़बर सा, ज़ुआ ज़बर ज़ा, तोए ज़बर ता, ज़ोए ज़बर ज़ा, ऐन ज़बर आ, ग़ैन ज़बर ग़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, बड़ा कौफ ज़बर ओ, छोटा काफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा। पहले जो अल्फाज थे अपने बच्चों फोटू के साथ थे, और अपने जो अल्फाज थे फिर खाली अल्फाज आए, उसके बाद अब ज़बर की तख्ती स्टार्ट हो गई अपनी। लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाओ ज़बर वा, हा ज़बर हा, और दो तस्मी हा ज़बर हा, हमजा ज़बर आ, या ज़बर या, बढ़िया ज़बर या। आज अपनी तख्ती काय की थी बच्चों, ज़बर की थी, और ज़बर की आवाज़ कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, और ज़बर जो होता है वो ऊपर होता है। इसी का हिस्सा ये है, ये तरतीब वाले अल्फाज थे और ये बिना तरतीब के हैं, ये अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन ये भी ज़बर वाले ही हैं। मश्क का मतलब होता है एक अल्फाज को बार बार पढ़ें, अपन बार बार याद करें, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? मश्क बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ज़बर और लगा हुआ भी है। अब यहाँ अलग अलग है अल्फाज, जीम ज़बर जा, यहाँ तरतीब थे, यहाँ बिना तरतीब के अल्फाज हैं, अलग अलग हैं। जीम ज़बर जा, बड़ा कौफ ज़बर ओ, ग़ैन ज़बर गो, ज़ुआद ज़बर ज़ा, बिना नुक्ते की स्वाद होती है और नुक्ते वाली ज़ुआद होती है, ज़ुआद ज़बर ज़ा, मीम ज़बर मा, ख़ा ज़बर ख़ा, इसकी आवाज़ थोड़ी सी हम अलग से निकालेंगे, पा ज़बर पा, हा ज़बर हा, ये गोल वाली है और शोशे वाली है भी है, हमदा ज़बर आ, सा ज़बर सा, टा ज़बर टा, हड़ा ज़बर हड़ा, रे ज़बर रा, चे ज़बर चा। ऊपर अपन ने पढ़ा था जीम, और यहाँ तीन नुक्तों वाला क्या हो गया बच्चों? चे। या ज़बर या, कौन सी या है ये? बड़ी या। वाओ ज़बर वा, बा ज़बर बा, स्वा ज़बर सा, शीन ज़बर शा, इसकी आवाज़ तीन नुक्ते हैं तो थोड़े खींच के निकालेंगे और गोल मुँह से निकालेंगे, ज़ा ज़बर ज़ा, या ज़बर या, नून ज़बर ना, ज़ोए ज़बर ज़ा, बड़ा ज़े ज़बर ज़ा, एन ज़बर आ, काफ ज़बर का, कौन सा काफ है बच्चों? छोटा काफ। दाल ज़बर दा, वाह ज़बर फा, हा ज़बर हा, तोए ज़बर ता,
जे ज़बर ज अलीफ ज़बर आ। अपन यहाँ पढ़ते हैं तो पहला आता है और यहाँ बीच में है अलीफ ज़बर आ। डाल ज़बर ड छोटा सीन ज़बर सा दो तशमी है ज़बर हा लाम ज़बर ला ता ज़बर ता और गाब ज़बर गा। आज हमें दोनों ही याद करना है बच्चों, तरतीब वाले भी बिना तरतीब वाले भी अच्छे से, और जो कल मैंने सबक दिया है वो भी आपको अच्छे से याद करना है बच्चों। ना ध्यान रखना है और पढ़ाई बराबर करनी है, शैतानी नहीं करना है, अच्छे से रहना है। सलाम।